फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो है मेरा मेकअप के बारे में, मेकअप दैट यू मस्ट हैव। तो मैं आपको वो चीज़ें रिकमेंड करूँगी, बताऊँगी यू मस्ट हैव, ठीक है, मतलब लाजमी होनी चाहिए इफ़ यू आर गर्ल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दी आई पैलेट, ठीक है। मतलब बीइंग अ गर्ल, अगर तुम्हारे पास आई पैलेट नहीं है तो भाई, आई शेडो पैलेट नहीं है तो भाई फिर तो लाइक दैट्स, ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। मेरे पास यहाँ मॉर्फी का है, आप लाजमी नहीं इतनी एक्सपेंसिव लें, ये मुझे 5-6 thousand का है। आप क्या कहते हैं इसका नाम क्या है, मिस रोज़ का भी ले सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन आपके मस्ट हैव है, मतलब लाजमी होनी चाहिए आपके पास। मैंने बहुत पैसे जमा करने के बाद मैंने ये लिया था, क्योंकि मुझे मतलब मैं बोलती हूँ एक ही बार में इन्वेस्ट करें उन अच्छी चीज़ में करो। सो या पैसे जमा करके ये लें, अगर ये नहीं लेना तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते, बट लेना लाजमी है आपको। क्या कहते हैं आई शेडो पैलेट, लेट मी शो यू द शेड्स। इसमें मिरर लगा हुआ है, तो आई ट्राई टू नॉट रिकॉर्ड द मिरर। कैन यू सी द शेड्स, इट्स लव, एक ओरिजिनल पीस है और इतनी खूबसूरत कलर है ना इसके, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एंड इसके ऊपर मिरर लगा हुआ है। सो इट्स लाजमी, मतलब मस्ट हैव है। अगर आपको आई शेड्स पसंद नहीं है तो छोड़ दें, बट लेकिन आपको पसंद है तो गिव अ ट्राई टू दिस। ये आपके हर लुक के साथ अच्छा जाएगा, इसके शेड्स हर लुक के साथ अच्छा जाते हैं, पार्टी वेयर, वेडिंग डे लुक, नाइट लुक, एवरी थिंग, ठीक है, ये है। एंड सेकंड वे बी लिप ग्लॉसेस, जो लिप ग्लॉसेस एंड लिप कलर्स, लिप टेंट्स मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे हैं। कैन यू सी दिस शेड, मुझे डार्क शेड ज़्यादा पसंद है, किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये भी शेड मेरा काफ़ी डार्क है, ठीक है। एंड आई हैव अनदर वन जो गॉश का है, अभी मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक इट्स इन माय बैग, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरा ये बैग मिनीसो का है, आपको अगर मेकअप बैग लेना है तो मस्ट की वाटर है, इनके अच्छे बैग हैं, मेरा गंदा हुआ पड़ा है, लेकिन इनके बैग अच्छे क्यूट से होते हैं। मैं आपको ना इनका क्या कहते हैं, हाँ हियर यू गो, ये जो है। और यहाँ पे मेरे पास एक गॉश का है, एवरेज है, इतना ख़ास नहीं है और इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है। आई लाइक डार्क लिपस्टिक, सो या ये भी अच्छा है। लिपस्टिक लाजमी आपके पास इतने तो होने चाहिए इफ़ यू लाइक लिपस्टिक्स। कैन यू सी माई डार्क शेड, ये मेरा यहाँ से टूट गया है, लेकिन मेरा फेवरेट है, मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है इसको। और ये है मेरे पास मिस रोज का भी, ये है, ये भी काफ़ी अच्छा है, बट कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेटेड है, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, या यूज़ करती हूँ तो उसके ऊपर मैं कोई डार्क शेड लगा देती हूँ तो भी बहुत प्यारा लुक आता है। कैन यू सी, सो या लिपस्टिक लाजमी है। एंड लिपस्टिक के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है ब्लशर। ब्लशर कोई सा भी हो सकता है, मेरा फेवरेट ये है, आई लव दिस थिंग, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 1700 का है, बट ओके फाइन, हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लोकल शॉप से ये लिया था, 300-200 का, ये क्या कहते हैं हाइलाइटर, ख़ास कुछ पसंद नहीं है इसलिए अभी तक पड़ा है, ज़्यादा पिगमेंटेड है और जो है अजीब सा एक देता है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो पड़ा हुआ है, आई डोंट यूज़ इट। मैं सोच ही रही हूँ कि मैं MK कॉस्मेटिक के ट्राई करूँ हाइलाइटर्स, तो या मतलब हाइलाइटर लाजमी होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी लगती है आजकल मेकअप में, जो है लाजमी नहीं आप ये लें, मुझे ख़ास नहीं लगा, रिकमेंड नहीं करूँ, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हाइलाइटर होनी चाहिए, क्योंकि शादी वादियाँ होती हैं तो उसमें हाइलाइटर ना हो तो किस क्या मज़ा, मेकअप में मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। एंड फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन के मेकअप तो होता ही नहीं है विदाउट फाउंडेशन, फाउंडेशन इज हियर, मेरे पास ये दोनों हैं, दोनों 100% रिकमेंडेड हैं, ये जो है विंटर्स के लिए और ये समर्स के लिए, ये स्किन को जो है नॉर्मल टू
ऑयली है, ऑयली के लिए है, और ये जो है ना ऑयली के लिए ही है, क्योंकि जो होता है ना समर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल दे रही होती है. दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर दैट. बहुत अच्छी है ये एसेंस का. मैंने कितना यूज़ किया है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है. और जो है ये फिट मी, मेबलिन का फिट मी है, ये भी बहुत अच्छा है. मैंने काफ़ी बॉटल्स इसके ख़त्म की हैं, पता नहीं ये कौन सा है. और जो है ये मस्ट है. और कंसीलर मैं आपको यहाँ मेबलिन का ये रिकमेंड करूँगी. मेबलिन का बहुत अच्छा है, फेवरेट वन, और ये मेरा थर्ड है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या चीज़ है. और यहाँ पे मेरे पास एक और भी है, ये भी मैं दोनों हमेशा मिला के यूज़ करती हूँ. ये फ्लोर मार्क का है, ठीक है, थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी चीज़ में करो थोड़ी से. एंड ये यहाँ पे मैं रखती हूँ, अब मुझे वीडियो बनानी है चीज़ें गिर रही हैं, ठीक है. आईलाइनर लाजमी, आईलाइनर नहीं तो कैसे हो कैसे. मेरे पास एम एस रोज का आईलाइनर है. इसका क्या है मसला ये है कि मैं सिर्फ पहले एक वीडियो बना रही थी जिसमें मैंने ये पिंक फ्लैश का आईलाइनर यहाँ पे मैंने स्वाच करके दिखाया, ठीक है. इस स्टैम्प भी है इसका, ये इतना ज़्यादा डार्क नहीं है इसलिए मुझे पसंद नहीं. वैसे तो अच्छी चीज़ है, इतनी डार्क नहीं है, और ये स्मज प्रूफ है, ये नहीं है. इसको मैं से करती हूँ ना, कैन यू सी. सो प्राइस तो दोनों का ऑलमोस्ट एक ही है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस वन. मैं आपको एक आइडिया के लिए रख रही हूँ. मैं आपको पिंक फ्लैश का रिकमेंड करूँगी जो ये है. ये पिंक फ्लैश का है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ये महंगा होगा, लेकिन दिस इज़ रियली गुड, जो स्मच प्रूफ है, ठीक है, कैन यू सी, बहुत अच्छी है. और जट ब्लैक है, कैन यू सी. सो आई विल रिकमेंड दिस वन, ठीक है. आईलाइनर मस्ट है, आइडिया के लिए दो रख रही हूँ यहाँ पे मैं. आईलाइनर के बाद आता है काजल. वी ऑल पाकिस्तानी गर्ल्स लव काजल. मैंने इससे पहले जो है ना मिस रोज का लिया था ये वाला, बट इसने मुझे ना इचिनेस दिया आईज़ में. मेरी आईज़ बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, और ये स्मज प्रूफ भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ के मैंने मेबलिन का ये लिया. ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही क्रीमी है यार, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी. Can you see? I love this one, or I would recommend this one. थोड़ी सी ये 200 की, तो ये 400 की कुछ खास नहीं है, बट आपकी आइज़ की बात है तो अपनी आँखों का लाजमी ख्याल रखना है और अच्छी चीज़ यूज़ करनी है आँखों में, आँखों के बाहर, आँखों के आसपास. सो हेयर ये चीज़ें गई हैं. ब्रशेज तो मैंने पहले इनका एक छोटा सा रिव्यू बनाया था. ब्रशेज लाजमी है मेकअप में, ये अफोर्डेबल ब्रशेज हैं, सो यू गो फॉर दिस वन. वो ब्रशेज का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकती हैं, बहुत अच्छे हैं. और इनका मैं ना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगी, याद हुआ तो दे दूँगी, ठीक है. ब्रॉन्जर, आई लव दिस ब्रॉन्जर, मेरा फेवरेट है, और मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी. ब्रॉन्जर के बिना मेकअप भी अच्छा नहीं लगता ना, फीका फीका लग रहा होता है. ब्रॉन्जर इज़ लव, ठीक है. यहाँ पे ये इसका बहुत क्रीमी है यार, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी मेरी फेवरेट है, कैन यू सी. और इसके ना यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है. और ये ब्रश है इसका, बहुत अच्छी है, बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया स्पंज इसका, ठीक है. ब्रॉन्जर भी हो गया हमारा. अब आते हैं हम इसके, क्या कहते हैं, मस्कारा, ये वाला. इसके अलावा और कोई मस्कारा मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगी, ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. एंड आई विल बाय अगेन दिस लोरियल का है, ये 2000 अराउंड है, 2000 समथिंग है, ठीक है. बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है. और मस्कारा जो है वो विदाउट द कलर लगती ही नहीं है. सो आई विल से कोई सा भी जो है कलर भी ले ले, बहुत सस्ते आते हैं और बहुत अच्छे हैं. मेरे पास H&M का है, और जो है मुझे याद नहीं मैंने कब लिया और कितने का लिया, कहीं से भी मिल जाएगा आपको और आसानी से और अच्छी चीज़ है, ठीक है. एंड अब मेरा मेकअप बैग, कॉम्पैक्ट पाउडर. मैं आपको मेबलिन का फिट मी का जो है क्या कहते हैं रिकमेंड करूँगी. मैंने इतना गंदा कर दिया उसको और ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट. मेरा फेवरेट है मेबलिन के जो क्या कहते हैं पाउडर्स. एंड कैन यू सी, कैमरे में नहीं पता लग रहा होगा आपको, बट बहुत अच्छी है इनके. मैंने ख़त्म कर दिया, पहले भी मैं इनका यूज़ कर चुकी हूँ, फेवरेट है, रिकमेंडेड है. और मेरे पास ये पिंक फ्लैश का स्पंज पड़ा हुआ था जो रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन खा जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेता है, सो नॉट रिकमेंडेड, ठीक है.
बट बहुत स्किशी स्किशी, आई लव इट। और जो है मेकअप के बाद अगर सॉरी मेकअप में ही आता है प्राइमर। ये मैंने सिटी कलर का लिया था, कुछ ख़ास नहीं लगा, बट ना मैं इसको रिकमेंड करूँगी ना मैं इसे बुरा कहूँगी, क्योंकि मैंने एक से दो दफ़ा यूज़ किया था, उसके बाद मेरे से यूज़ ही नहीं हुआ, सो उसकी बात ही छोड़ दें। मतलब प्राइमर भी ले सकते हैं, और लेकिन मैं अभी आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे, सही लगे, मुनासिब लगे, आप वो प्राइमर लें। और मेकअप के बाद आते हैं हम इसमें, दीज आर यू नो क्या कहते हैं, अगर आपको बड़े नेल्स रखना पसंद है तो मैं यहाँ पे ये हमेशा लेती रहती हूँ। मेरे पास बहुत है, पर वीडियो के लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ रखे हुए हैं। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं नील पेंट के। और कौन कहाँ गया, और ये रहा मेरा 100% मतलब रिकमेंडेड, ये दोनों फ्लोर मार्क के अच्छे, बाकी ये तो लोकल है, ये 100% रिकमेंडेड है, बहुत खूबसूरत शेड है, आई लव देम, और मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ। ये मैंने वैसे ही लोकल लिए थे। सो आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपने इन्जॉय की हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।